पूर्व मिस्टर फिरोजपुर रह चुके मनकरण सिंह सोडी की फसल बेचकर आड़ती ने रुपए देने से इनकार कर दिया। इस मामले की शिकायत मोहाली एसएसपी को दी गई। एसएसपी के आदेश पर ढकोली थाना पुलिस ने मिस्टर फिरोजपुर रह चुके मनकरण सोडी के ढकोली पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज कराए। बयानों में सोडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी जमीन के 30 लाख रुपए फिरोजपुर निवासी आड़ती दिनेश गोयल रुपए नहीं दे रहा। इसके अलावा आड़ती का लाइसेंस मोहाली कमेटी बोर्ड ने रद्द करने की शिकायत भी इनकी ओर से दी गई है। क्या नाम है जी आपका? मनकरण सोडी। मनकरण जी, आपने जो शिकायतें दी हैं, कौन कौन सी विभागों में शिकायतें दी और क्या शिकायत किसके खिलाफ? दिनेश गोयल के खिलाफ है, आड़ती है गुरूर साय, मंडी बोर्ड में दी है, कमेटी में दी है गुरूर साय, सीबीआई में दी है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में दी है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल और सिविल सूट, और पुलिस मोहाली एसएसपी एंड पुलिस फिरोजपुर एसएसपी। तो शिकायत में क्या मेंशन किया है? मैंने शिकायत में ये मेंशन किया है कि आड़तिया मेरे जे फॉर्म्स कंप्लीट नहीं बनाता, ना कंप्लीट पेमेंट्स जमा कराता है मेरी फसल के हिसाब से, और मेरी प्रॉपर्टी और मेरी फसल मिसयूज़ कर रहा है, ना ही लैंड मैपिंग्स करता और कराता है, और मेरे को झूठ बोलता है कि मैंने सब सही कर रहा हूँ, और हर बार मान जाता है कि ऐसे नहीं करता, फिर वैसे ही करता है इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद भी। तो जो मंडी बोर्ड को आपने शिकायत दी है, तो उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? हाँ जी, उनकी तरफ से कार्रवाई हुई है, मोहाली मंडी बोर्ड की तरफ से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने इसका लाइसेंस सस्पेंड किया था और इसे पेमेंट देने को बोला था, पर उसने अभी तक नहीं दी, और झूठे रिकॉर्ड्स पेश कर रहा है मंडी बोर्ड में कि मैंने पेमेंट्स दे दी हैं, वो बल्कि इसने फसल की थोड़ी बहुत ही दी थी बाद में। और एसएसपी मोहाली की तरफ से जो शिकायत दी गई थी, उसको कुछ हुआ है? हाँ जी, उसमें मेरे को बुलाया गया था और स्टेटमेंट ली गई थी मेरी। तो अब आप क्या कहते हैं, जिस तरह से दिनेश गोयल, जिसका आप नाम बता रहे हैं, फिरोजपुर का है, तो और भी कई लोगों से क्या कोई धमकी वगैरह भी दे रहे हैं, या आपका फ़ोन नहीं उठा रही है कुछ ऐसा? हाँ जी, इसने मेरा फ़ोन ब्लॉक किया, इसने मेरे मैसेजेस ब्लॉक किए, ताकि मैं इसे बोलता था कि मेरे साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, पर इसने ऐसा मेरी नहीं सुनी, और मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन दिए जाए। अगर मेरे साथ कर रहा है, जैसे मेरे को पता है, तो हो सकता है ये हर मामले में चीटिंग्स औरों के साथ भी कर रहा हो, हेरा फेरी कर रहा हो। जो ये आपकी ज़मीन है, ये कहाँ पर है और कितने एकड़ की है? फैमिली लैंड हमारी ज़्यादा है, मेरे नाम 18 किले है, क्योंकि 18 किले अलाउड है रखनी। ये है गुरूर साहब बीड़ हरबंसपुरा में। तो इसमें जो ये अमाउंट है, आपके खाते में नहीं आ रहा है? हाँ जी, इसने कभी भी मेरे खाते में पूरा अमाउंट नहीं डलवाया। लगभग कितने टाइम से डील कर रहा है ये? 17 साल से डील कर रहा है हमारी फैमिली के साथ, और कुछ सालों से मैं इसको कह रहा हूँ, जब मेरे को सब पता चला कि ये हेरा फेरी कर रहा है, उसके बाद भी ये हेरा फेरी करता ही रहा, ये लाइन पे नहीं आया, क्योंकि जिसको आदत पड़ी हो हेरा फेरी करने की, वो हमेशा करता ही रहता है, जब तक उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिए जाएं। आपने सीबीआई को दी, पंजाब मंडी को बोर्ड को दी, एसएसपी फिरोजपुर, एसएसपी मोहाली, सभी को शिकायतें दी हैं, तो अब आप इसके ऊपर क्या ऐसी सख्त कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो इस तरह का इंसान है, उसका लाइसेंस कैंसिल ही होना चाहिए, जो इतनी वार्निंग्स के बाद भी ऐसे कर रहा है और करा रहा है, किसी की प्रॉपर्टी पैसा और मिसयूज़ कर करा रहा है, तो ये इलीगल सब तरीका अपना रहा है, सारा काम इलीगल वे में कर रहा है और इलीगल तरीके से कर रहा है। दिनेश गोयल किस तरह से आपके साथ कर रहा है, कई और लोगों के साथ भी कर रहा है, तो आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि इस तरह का आड़तिया ना रखा जाए, क्योंकि आड़तिया का बड़ा सख्त रूल है, ये उनकी मर्जी नहीं होती कि जिसके मर्जी जे फार्म काट दो, जिसके मर्जी खाते में पेमेंट करा दो, लैंड मैपिंग कराओ चाहे ना कराओ करो, ये उनकी मर्जी नहीं होती। जिसके नाम ज़मीन है, चाहे हमने ठेके पर भी दी हो, हमारे तो खुद सर्वेंट्स कराते हैं, ये उसी के ही लैंड मैपिंग होती है, उसी के जे फॉर्म्स बनते हैं, पूरे बनते हैं उसकी फसल के हिसाब से, और उसी के खाते में पूरे पैसे आते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कोई कहाँ रह रहा है, कोई शॉप में गया कि नहीं गया, या कोई कहाँ रह रहा है, एक शॉप में गया या नहीं गया, या कौन कर रहा है काम, या कौन करा रहा है, ये सब बातें माइनर, ये मैटर नहीं करती। तो क्या उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस भी होना चाहिए, या क्रिमिनल धारा भी दर्ज? हाँ जी, क्रिमिनल केस चल रहा है। टैक्स से भी कर रहा है? हाँ जी, ये टैक्स से बचने के लिए ये जे फॉर्म्स नहीं बना रहा, और अपने सारी नेगेटिविटी
कर रहा है क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है और नेगेटिव रीजंस इसलिए सपोर्ट कर रहा है। जो बंदा नेगेटिव हो वो नेगेटिव ही करता है और नेगेटिविटी सपोर्ट करता है और नेगेटिव ही चलता है जब तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की जाए। हेलो सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सर जिहड़े मनकरण सिंह ने जिहड़े तुहाडे ते 30 लाख रुपए दे एलिगेशन लगा रहे हैं ते बारे दसो तुहाडा पक्ष जानना चाह रहे सी। सर पहली गल तां मनकरण सिंह कौन है जी, मैं इहनूं तां जानदा नहीं। अच्छा जी। इहदे मनकरण सिंह मेरे इक क्लाइंट दा बेटा जी। ओके। क्लाइंट है करणवीर सिंह सोढ़ी। अच्छा जी। नहीं इह तां कह रहे कि आपां तुहाडी शिकायत कई थाणे च मतलब मंडी बोर्ड वगैरह नूं दित्ती है। सर जिथे वी इहनां शिकायत कीती हर जगह मैं उहनां नूं रिप्लाई दे चुके हां जी उहनां दा। अच्छा जी। जो भी इहदे फादर या इहदे मदर मेरे कोल फसल लैके आंदे रहे सी नहीं टोटल 2015 घरेलू डिस्प्यूट नहीं है ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।